हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा दैट इज इंट्रोडक्शन बिफोर एक्सरसाइज 8.2। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे 8.2 से पहले क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे और क्या क्या एंगल है और क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारा मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 8 का ट्रिग्नोमेट्री का मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 8.1 और एग्जाम्पल क्वेश्चन वो सारा मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 8.1 से पहले जो जितना भी फॉर्मूला था जो कि 8.1 में यूज होगा उसको मैंने सारा आप लोग को सिखा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको सारा कंसेप्ट, वो सारा क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने अभी तक क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर रिवीजन एंड चैप्टर 6 और चैप्टर 8 उसमें का जितना भी क्वेश्चन था, एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन विद इंट्रोडक्शन मैंने आप लोग को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो अगर आपको सारा चैप्टर का वीडियो अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है दैट इज चैप्टर 8, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन बिफोर एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में जो फॉर्मूला यूज होगा वो सारा एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं हम लोग के पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एंगल को लिखेंगे एंगल। ठीक है, मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, वो ट्रिक से आप लोग पूरा टेबल बना सकते हो और वो टेबल को यूटिलाइज करके हम लोग पूरा एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एंगल, ये हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और यहाँ पे कॉट। ठीक है, तो सबसे पहला जो एंगल आता है यहाँ पे हम लोग एंगल लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा, पहले साइन थीटा होगा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक, उसके बाद सेक। ठीक है, सेक उसके बाद, उसके बाद सेक के बाद क्या आता है, कोट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेक। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन में हम लोग कोट को लिखेंगे, कोट का भी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का क्या आता है एंगल में, साइन थीटा। ठीक है, फिर आता है कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, फिर साइन कॉस टेन, कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। ठीक है, अब यहां पे एंगल किससे स्टार्ट होता है, तो एंगल स्टार्ट होता है आप लोग का दैट इज 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका 30 डिग्री, उसके बाद 45। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। ये वाला टेबल नहीं होगा, अप टू 90 तक आप लोग का सिलेबस में दैट इज क्लास 10 में है। ठीक है, अगर आप लोग हायर क्लास में जाते हो, अगर साइंस लेते हो तो आप लोग का मैथ्स में इसके आगे वैल्यू भी मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो फिलहाल हमें 90 डिग्री तक सीखना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आप लोग यहां से स्टार्टिंग करो 0। ठीक है, मैं सिखा रहा हूं कैसे आप लोग टेबल बनाओगे। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद सब में आप लोग 4 से डिवाइड करो, किससे, 4 से, 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब अगर हम लोग का साइन थीटा का वैल्यू आ गया बाकी सारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं साइन थीटा को पहले सिखा दे रहा हूं अच्छे से। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, न्यूमेरेटर में 0, 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस में जाना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है। जब 4 से डिवाइड करोगे और
फोर से डिवाइड करने के बाद में थर्ड स्टेप क्या है, सबने रूट डाल दिया, सबने रूट, ये रूट और ये भी रूट, ठीक है। इसके बाद अब यहां पे रूट ओवर जीरो कितना होता है, जीरो, और रूट ओवर फोर क्या होगा, टू, ठीक है ना। और जीरो डिवाइड बाय टू आंसर कितना आएगा, जीरो। इन द सेम वे रूट ओवर वन कितना होता है, वन, और रूट ओवर फोर क्या होता है, टू, बिकॉज फोर का स्क्वायर रूट कितना होता है, टू, ठीक है। तो इसका साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, वन बाय टू। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना, जीरो, ठीक है। सिमिलरली साइन 45 का क्या होगा, देखिए यहां पे रूट टू का क्या होता है, रूट टू, ठीक है, और रूट ओवर फोर का क्या होगा, दैट इज टू, ठीक है। अब रूट टू का रूट टू, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो टू आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू में, ठीक है। तो ये रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं मतलब वन, नीचे क्या बचा, रूट टू। तो ये आ गया आपका किसका वैल्यू, दैट इज 45 डिग्री का, ठीक है, साइन 45 डिग्री का। अब साइन 60 का क्या होगा, देखिए रूट थ्री का क्या होगा, रूट थ्री, और रूट ओवर फोर का क्या होता है, टू, ठीक है। अब नेक्स्ट रूट ओवर फोर का क्या होता है, टू स्क्वायर रूट, और रूट ओवर फोर का क्या होगा, टू, टू से टू कैंसिल, आंसर कितना, वन, ठीक है। इसका मतलब साइन 90 कितना होता है, वन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप लोग वैल्यू फाइंड कर लोगे, अब कॉस का कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए, कॉस थीटा का हम लोग लिखेंगे पहले वन, उल्टा करके आना है, ठीक है, पहले वन, इसके बाद फिर क्या है, रूट थ्री बाई टू, फिर इसके बाद क्या है, वन बाई रूट टू, फिर इसके बाद क्या है, वन बाई टू, फिर इसके बाद क्या है, जीरो, ठीक है। बस आपको साइन का, जो साइन थीटा का वैल्यू है 90 तक, उसको रिवर्स कर देना है, ठीक है, कॉस थीटा में। अब नेक्स्ट है टेन थीटा, तो अगर आपको टेन थीटा चाहिए, तो आप क्या करो, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू को डिवाइड कर दो, तो जीरो बाय वन कितना आता है, जीरो, ठीक है। अब वन बाय टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री बाय टू, तो टू से टू कैंसिल, कितना आएगा, वन बाय रूट थ्री। अब इसका वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू डिवाइड बाय वन बाय रूट टू कितना आता है, वन, बिकॉज वन बाय रूट टू बाई वन बाय रूट टू, तो ये दोनों कैंसिल होकर कितना बनाएंगे, वन, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन। सिमिलरली इसको डिवाइड करते तो इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो रूट थ्री बाय वन कितना होगा, रूट थ्री। नेक्स्ट वन बाय जीरो, अगर कोई भी पूछे आपको वन बाय जीरो कितना होता है, तो आप लोग डायरेक्ट बोला नॉट डिफाइन, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है, नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन। नेक्स्ट टेन थीटा का भी वैल्यू आ गया, अब हम लोग फाइंड करेंगे कोसेक थीटा, तो अगर आपको कोसेक चाहिए, तो हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है ना, फिर कोसेक से कॉट, ठीक है। तो साइन का नीचे कौन है, कोसेक, तो अगर आप लोग साइन का वैल्यू को उल्टा कर देते हो, तो आपको क्या मिलेगा, कोसेक, तो कोसेक किसका होगा, साइन का उल्टा, तो नीचे कुछ नहीं मतलब वन है, इसको उल्टा करने से क्या आएगा, वन बाय जीरो, तो वन बाय जीरो मैंने क्या पढ़ा था, नॉट डिफाइन, तो यहां पे क्या आएगा, इसका नॉट डिफाइन। नेक्स्ट अब इसका उल्टा कीजिए, तो टू बाय वन हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, टू। अब इसका उल्टा कीजिए, इसको उल्टा करने से क्या आएगा, रूट टू ऑनली, इसका उल्टा, अब इसका उल्टा कीजिए, तो इसका उल्टा करने से टू बाय रूट थ्री। नेक्स्ट इसका उल्टा कीजिए, तो नीचे कुछ नहीं मतलब वन है, तो इसका उल्टा करने से वन ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक थीटा किसके नीचे है, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का रिवर्स करना है, ठीक है, तो कॉस थीटा को अगर रिवर्स करे, तो नीचे कुछ नहीं मतलब वन है, तो इसका उल्टा क्या होगा, वन, इसका उल्टा कीजिए, तो टू बाय क्या आएगा, रूट थ्री, इसका उल्टा कीजिए, तो क्या आएगा, रूट टू, ठीक है, इसका उल्टा करने से क्या आएगा, टू, और इसका कुछ नहीं नीचे मतलब वन है, तो इसका उल्टा करने से क्या आएगा, वन बाय जीरो, दैट इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट अब आता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को कैसे आएगा, कॉट थीटा नीचे है किसका, टेन थीटा का,
तो आप लोग टेन थीटा को उल्टा कर दो तो आपको कॉट थीटा मिल जाएगा। तो टेन थीटा ये रहा, नीचे कुछ नहीं मतलब वन है, तो इसको उल्टा कीजिए तो क्या हुआ नॉट डिफाइन। ठीक है, तो इसको उल्टा करते नॉट डिफाइन। ठीक है, अच्छा फिर क्या आएगा यहाँ पे, अब हम लोग टेन को उल्टा कर रहे थे तो इसको उल्टा करने से क्या आएगा रूट थ्री, इसको उल्टा करने से क्या आएगा वन, इसको उल्टा करने से नीचे कुछ नहीं मतलब वन है, इसको उल्टा करने से वन बाय रूट थ्री। ठीक है, और इसको नॉट डिफाइन को उल्टा करने से क्या आएगा जीरो। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग ये सारा टेबल का जितना भी एंगल दिया 90 तक, ये सारा ट्रिग्नोमेट्री का एंगल 90 तक आप लोग आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से, ये टेबल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को स्टार्ट करूंगा दैट इज एग्जाम्पल क्वेश्चन बिफोर एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।